हेलो एवरीवन। तो हमने ना कल रात एक जान जानू की कहानी देखी, पढ़ी, सुनी और काफ़ी मज़ा भी आया, अच्छा भी लगा, गुस्सा भी आया, बुरा भी लगा और सबसे ज़्यादा दीदी जी पर तरस आया। सच में ये सारी चीज़ें कितने अच्छे से प्लान करी गई थी, एक लड़की को बर्बाद करने के लिए, उसका घर तोड़ने के लिए कितने सारे लोग मिले थे। सुमित महल तक का हाथ इस सारी चीज़ों में आया है, बताया जा रहा है। सारी चीज़ें प्रूफ के साथ साबित की गई, जो चीज़ें देखने के बाद ना सच में जिसने भी देखा वो इंसान खुद शर्म से शर्मसार हो गया। पता नहीं दीदी जी को शर्म आई भी होगी या नहीं भी आई होगी। बात करूंगी आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर। जो भी मेरे चैनल पर नहीं हो ना, प्लीज़ चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो यार। आजकल आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और प्यारा सा कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर रखिएगा कि आपको कैसी लगी जान जानू की कहानी। जब हम इतना दूर बैठे हुए लोगों के दिल पर ये बीत रही थी तो मनीषा के दिल पर क्या बीत रही होगी, उसके कितनी अंदर से आग भड़की होगी ये सारी चीज़ें देखने के बाद। कैसे सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखते हुए भी मनीषा बर्दाश्त कर रही थी। कैसे जब मनीषा को 1-1.5 साल से सारी चीज़ें पता चल गई थी कि क्या चल रहा है, किस तरह से दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, किस तरह से, और मनीषा आज भी लाइव में बैठकर आप बोलकर बात कर रही थी, आप ये आप वो आप वो, क्या वो औरत इस इज्जत को डिजर्व करती है? मनीषा से तो बिल्कुल भी नहीं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है मनीषा, जो आज तुम इस हाल में हो, सबसे बड़ी गलती है ये तुम्हारी, जो आज तुम्हारा ये हसल हुआ है ना, जो तुमसे आज तुम्हारा पति दूर हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा आप अपने पति को बचा रही हो। ठीक है कि सामने वाली ने फंसाया, सामने वाली ने ये किया वो किया वो किया, आप अपने पति को बचा रही हो। आपका पति कोई दूध पीता बच्चा नहीं था। जो आप बोलती हो ना, आप बोल रही हो कि अब मेरे और बीच में आई तो मैं फाड़ के रख दूंगी, ये शब्द आपने कास्ट 6 महीने पहले, 1 साल पहले अपने पति से ही बोले होते हैं कि मेरी तरफ अगर आँख उठा के भी देखा ना तो मैं तेरे को फाड़ के रख दूंगी। कभी कभी हमारा चुप रहना, इज्जत देना, भोले बन के रहना, संस्कारी बन के रहना कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। जब बात अपने ऊपर अपने रिश्तों के ऊपर आए ना तो थोड़ा सा सख्त बनना पड़ता है। इतना कुछ होने के बाद भी बहुत आसानी से अपने पति को माफ़ कर दिया। हमने सुना कल मिस्टर सचिन राज के मुंह से कि मनीषा ने मेरे को माफ़ कर दिया। क्यों कर दिया भाई? देखो मनीषा, हम कभी नहीं चाहते कि तुम्हारा घर टूटे या बिखरे, कभी नहीं चाहते तुम्हारा घर टूटे, कभी भी नहीं। लेकिन इस हालत में साफ साफ दिख रहा था कि तुम्हारे पति ने तुम सारे साथ चीट किया है, तुमको धोखा दिया है, तुमको धोखे में रखा। फिर भी तुमको नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी तुमको माफ़ कर देना चाहिए? तुमको क्या लगता है तुम्हारे पति को एहसास हो गया है अपनी गलती का? बिल्कुल भी नहीं। वो नेहा ने ठुकराया है तब वो तुम्हारे पास आया है, और इस भीख में मिले हुए रिश्ते को, इस भीख में मिले हुए प्यार को प्यार नहीं कहते, प्यार नहीं कहते। जो इतना सब कुछ जानने के बाद भी मनीषा नेहा के घर जाती थी, बहुत अच्छे से हैप्पी से मिलती थी। अभी मैंने 6-6 महीने पुराना वीडियो देखा यार, कितने मत, जब जानते बूझते भी क्यों जाने देती थी अपने हस्बैंड को, क्यों? अगर उस वक्त थोड़ी सी टाइट बन गई होती ना तो आज शायद ये दिन ना देखना पड़ता, और शायद उस वक्त तुम्हारा पति संभल भी जाता, क्योंकि उस वक्त धीरे धीरे फिसल रहे थे और अभी पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। अभी तुम जो भी रोगी किल्लाओगी, लड़ाई झगड़ा कुछ का, किसी चीज़ का भी असर नहीं है, किसी भी चीज़ का। और वो बोल रहे थे ना मुझे माफ़ कर दिया मनीषा ने, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है जो तुम्हारे पति मिस्टर राज पकड़ के चल रहे हैं कि मैं कुछ भी करूँ मेरी बीवी माफ़ कर देगी, मुझसे बहुत प्यार करती है। एक बात बोलूँ मनीषा,
अपनी लाइफ उसके साथ जियो जो तुमको प्यार करता हो, उसके साथ नहीं जिसको तुम प्यार करती हो। अभी ये सचिन तुम्हारे साथ लौट कर आया ना, सिर्फ तुम्हें भीख में ये प्यार दे रहा है। नेहा ने भीख में दिया है ये तुमको प्यार। अगर नेहा अभी भी बोल दे ना, अभी भी बोल दे जान बाबू जानू जो भी ये कुछ चल रहा था, तो वो एक मिनट नहीं लगेगी वापस जाने में। साफ दिख रहा है अभी भी उस बंदे की आंखों में प्यार, पागलपन, दिल जला आशिक की तरह अभी हरकत कर रहा है वो, इसलिए क्योंकि उन्होंने यहाँ ने ठुकरा दिया है, बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए ये हरकतें कर रहे हैं, और इसीलिए तुम पर तरस खा के तुम्हारे पास वापस आए। वरना उन्होंने तो साफ तुमको डिवोर्स देने का, तुमको छोड़ने का, दीदी जी से शादी करने का पूरा अपना प्लान कर चुके थे पूरा। ऐसे रिश्ते में घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि ऐसे रिश्ते को आज़ाद कर दो। मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और ना ही ऐसे आदमी को, ऐसे पति को जीवन भर कभी माफ़ कर पाती, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जिसने तुमको धोखा दिया, एक शादीशुदा होते हुए पति होते हुए पति का सुख नहीं दिया, पराई औरत के पीछे, पराई औरत के पीछे इतनी आसानी से माफ़ कर दिया, और आप अब भी उसको आप बोल बोल कर बातें कर रही हो, आप, हद है यार, इतनी इज्जत इतनी रिस्पेक्ट अभी भी, जब सारी चीज़ें सामने से क्लियर हो चुकी थी, जब तुम्हारे मना करने के बाद भी वो औरत तुमसे बात कर रही, तुम्हारे पति से बात कर रही थी, उसी समय दो थप्पड़ लगाना चाहिए था उस औरत के और अपने पति के, जो उस वक्त तुम थोड़ा सा टाइट बन के अपने लिए खड़ी होती तो शायद आज ये तमाशा इतना बढ़ गया ना, शायद ना बढ़ा होता। तुम मना करती, तुम डांटती, तुम अपनी जिद पर अड़ी रहती तो पति आते क्या उनसे बार बार मिलने के लिए? इतने महंगे महंगे गिफ्ट देना, मिलना जुलना, जब तुमको सारी चीज़ें फील हो गई थी तो तुमने क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं रोका? जो आज बोल रही हूँ फाड़ के रख दूंगी, उस वक्त बोली होती ना कि मेरे पति से दूर रहे तेरे को फाड़ के रख दूंगी, उस वक्त ही रोका होता। बहुत देर कर दी मनीषा, बहुत। अभी भी कुछ भी नहीं बोल रही हो, अभी भी कुछ भी नहीं बोल रही हो, अभी भी बहुत इज्जत रिस्पेक्ट के साथ उसको जवाब दे रही हो। सामने वाली बंदी ने एक माफ़ी मांगना ज़रूरी नहीं समझा, अरे दोनों को पैरों में सर रख के माफ़ी मांगनी चाहिए मनीषा के। सख्त बनो, और ये प्यार जो तुमको लग रहा है मेरा पति मेरे पास वापस लौट के आ गया, वो नेहा का दिया हुआ भीख है तुमको, वो प्यार नहीं है। क्या गारंटी है कि कल को नेहा दो प्यार के शब्द बोल देगी, पति फिर लुढ़क लेगा? उसके लिए तुम्हारा पति मरने तक जाता है, वो मरने जाती हैं, वो भी तो मरने जाती हैं उनके लिए। उन्होंने तीन बार कोशिश की है, तुमको अलग साइड करने का प्लान बना चुके थे, मारने तक का। क्या गारंटी है कि तुम आगे भविष्य में खुश रह पाओगी इन सारी चीज़ों से? सारी गलती सामने वाले की ही नहीं है, उसे कहीं ज़्यादा आप अपने पति की गलती समझो। जब हमारा पति अच्छा रहेगा, जब हमारा ही अपना अच्छा रहेगा तो किसी की मजाल नहीं है। अगर उसने कुछ बोला भी कि उसने पहले से प्रपोज किया मेरे को, उसने ऐसे बोला कि नहीं भैया नहीं मेरे को तो अभी नहीं, दीदी नहीं मेरे को बीवी बन के आना है, आपके पति को बताना चाहिए था आपको, जब बताना चाहिए था या नहीं बताना चाहिए था? लेकिन नहीं बताया क्योंकि उनको भी तो सैया बनना था। और इन सारी चीज़ों में सुमित महल का भी नाम आ रहा है कि वो भी बहुत सारे ये सारी चीज़ों में थे। खैर इसके बारे में करूँगी नेक्स्ट वीडियो में बात, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। सब इन सारे लोगों की मिली भगत थी, प्लानिंग थी तुमको रास्ते से हटाने के लिए। सख्त बनो, अभी अगर अभी तकलीफ़ होगी, मानती हूँ तकलीफ़ होगी नेहा, अभी सॉरी वो मनीषा, बहुत तकलीफ़ होगी अभी, लेकिन सिर्फ एक बार होगी। लेकिन अगर तुम अभी भी माफ़ कर दी ना, माफ़ कर दी अपने पति को, तो तुमको बार बार तकलीफ़ होगी, पल पल घुट घुट के ऐसे ही जियोगी तुम। बोल, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, अपनी तरफ से
जो मुझे जैसा मुझे फील हो रहा है। जिस वक्त मुझे लगा था ना, जिस वक्त मुझे लगता ऐसी चीज़ें ऐसी देखा, आंटी जी ने सही बोला था कि उसी वक्त दोनों आँख फोड़ देना चाहिए था। अब की सासू माँ ने कैसे बर्दाश्त कर ली ये सब, तो कैसे फिर से सगाई में पहुँच गई, फिर से उनके घर पहुँच जाती थी, कैसे हंस हंस के रह लेती थी यार। मुझे अब सबसे ज़्यादा गलती इसमें तुम्हारी नज़र आती है, क्यों इतना सीधा बन के रहना, ऐसा भी क्या प्यार यार। हंस तुम्हारी उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया तुम्हारे पति ने, और तुम्हारी वो जिसको भी आप करके इज्जत दे रही थी, जो बिन ब्याही सौतन बन के बैठी थी, बीवी तुम थी, बीवी बन के वो बैठी थी, सारे कर्मकांड वो करती थी, तुमको दूर रखती थी, जो कि मिस्टर राज ने सारा सच कबूल कर लिया कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, हम तो बहुत ज़्यादा थे, पति पत्नी की तरह रहते थे। क्योंकि उधर से साफ मना था, मनीषा को टच नहीं करना है, मनीषा के साथ बच्चा पैदा नहीं करना है। अरे यार शर्म करो, जो चीज़ें आई बहुत शर्मनाक थी, नहीं आनी चाहिए थी, बट कर भी क्या सकते हैं, हम तमाशा देख सकते हैं। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और जो भी चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।